नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ दशकों में हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। न केवल हमारे रोजमर्रा के काम आसान हुए हैं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, परिवहन और उद्योगों में भी भारी सुधार हुआ है। तकनीकी विकास के कारण नई चिकित्सा सुविधाएं, स्मार्टफोन, इंटरनेट और आधुनिक उपकरण हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। इसी कड़ी में विज्ञान ने अब दवाइयों को शरीर में पहुंचाने का तरीका बदल दिया है। वैज्ञानिकों ने एक नई तरह की कैप्सूल बनाई है जो प्राकृतिक तंत्रों से प्रेरित है। ये कैप्सूल दवाइयों को बिना किसी इंजेक्शन के और बिना किसी दर्द के शरीर में सीधे पहुँचा सकती है ना अनोखी बात। ये कैप्सूल भारत जैसे देशों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है जहां स्वास्थ्य देखभाल की समस्याएं बड़ी हैं। ये कैप्सूल MIT, ब्रिगहम एंड विमेंस हॉस्पिटल और नोवो नॉर्डिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाई है। इस कैप्सूल में सेफोलोपोड से प्रेरित एक खास तकनीक है। सेफोलोपोड समुद्री जीव होते हैं जो पानी में बहुत अच्छे से तैरते हैं और उनकी एक खास प्रणाली होती है जिससे वे अपने शरीर से दवाइयां या स्याही छोड़ सकते हैं। इसी प्रक्रिया से प्रेरित होकर इस कैप्सूल को डिजाइन किया गया है। ये कैप्सूल पेट में घुलकर दवाइयों को धीरे धीरे छोड़ता है। इसमें एक खास गैस या स्प्रिंग्स का सिस्टम होता है जो पेट में घुलने वाले एक खास पदार्थ से सक्रिय होता है। इस तकनीक से दवाइयां आसानी से शरीर में पहुंचती है और ये तरीका इंजेक्शनों से ज़्यादा आरामदायक है। अब सवाल है कि इस कैप्सूल की ज़रूरत भारत जैसे देशों में क्यों है? तो आपको बता दें कि भारत में बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज, TB, मलेरिया और अन्य बीमारियों से प्रभावित है। ऐसे में इस प्रकार की नई दवाइयां देने की तकनीक भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है, खासकर डायबिटीज के मरीजों के लिए जिन्हें इंसुलिन के लिए नियमित इंजेक्शनों की आवश्यकता होती है। अगर ये कैप्सूल भारत में इस्तेमाल किया जाता है तो ये उपचार को सरल और आरामदायक बना सकता है। भारत में पहले से ही कुछ अन्य नवाचारों को अपनाया जा चुका है, जैसे पोलियो उन्मूलन अभियान जिसमें भारत ने बड़ी सफलता प्राप्त की। इसके अलावा भारत में TB और मलेरिया जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाइयां दी जा रही हैं। इस नई कैप्सूल तकनीक को अपनाकर भारत और भी प्रभावी ढंग से इन बीमारियों का इलाज कर सकता है। इस कैप्सूल के और भी फायदे हैं। ये कैप्सूल इंजेक्शन के दर्द और असुविधा को कम कर सकती है जिससे मरीजों को आराम मिलेगा। इसके साथ ही भारत के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। इस कैप्सूल से इलाज आसानी से किया जा सकता है क्योंकि मरीजों को डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे खास बात, भारत को अपनी फार्मास्यूटिकल उद्योग की ताकत का फायदा उठाकर इस तकनीक के स्वदेशी संस्करण बनाने का मौका मिल सकता है जिससे ये सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो सकती है। प्राकृतिक तंत्रों से प्रेरित ये नई दवाइयों की डिलीवरी कैप्सूल भारत के स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकती है। ये न केवल दवाइयों की डिलीवरी को आसान बनाएगी बल्कि उपचार को भी अधिक प्रभावी और आरामदायक बनाएगी। सही तरीके से इसे लागू किया जाए तो ये भारत के लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है।